हाय फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल गीत किचन में आपका स्वागत है। हैप्पी नवरात्रे आप सभी को मेरी तरफ से, पहले तो क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्रे का। सबने हम लेके आए हैं चावल की रेसिपी, आज बनाएंगे व्रत वाले चावल। चलो दिखाते हैं आपको, मैंने सारा सामान निकाल के रख चुकी हूँ, चलो चलते हैं। ज़रूरतमंद को शेयर जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलो दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स। ये मैंने घिया लिया, आलू लिया और हरी मिर्च लिया, एक और एक टमाटर लिया और ये सावक चावल है। अभी हम इसको धो लेंगे, इतना हम ये सामान काट लेते हैं और मैं ये धो के रख लेती हूँ, फिर आपको बताते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं सावक के चावल। घी आलू पा के बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर बनाना आप लोग। फ्रेंड्स मैंने ये सामान काट चुकी हूँ, देखिए आप, टमाटर, हरी मिर्च, घिया और आलू बारीक बारीक मैंने काट लिया। अब हम इसको फ्रेंड्स मैंने टमाटर, आलू, हरी मिर्च और घिया काट चुकी हूँ और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, देखिए। अब थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल और फिर हम लगाएंगे तड़का थोड़ा सा, और ये सारा सामान हम इकट्ठे ही डालेंगे। चलो दिखाते हैं आप लोगों को, पहले हम डालेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालेंगे, गैस को कर देते हैं हम तेज। और चावल मैंने धो लिए हैं, धो के साफ पानी डाल लिया इसमें एक गिलास। अभी हम इसको तड़का लगाने के बाद इसको डाल देंगे, पानी भी और चावल भी। चावल धो के ज़रूर बनाएं क्योंकि कई बार मिट्टी वगैरह होती है ना, तो आप जैसे हम चावल धोते हैं दूसरे वाले, वैसे इसको धो के भिगो के रख दो जब तक तड़का लग रहा है। फ्रेंड्स मैं अकेली व्रत रखती हूँ इसलिए मैंने घिया भी थोड़ा सा ही लिया था आधा, क्योंकि ये सब लास्ट में रखेंगे, मैं पहला और लास्ट रखूँगी। फ्रेंड्स हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला तो कर देंगे हम, एक ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हल्दी हमने खानी नहीं, इसलिए ये सब मसाले डालेंगे हम। अब हम डाल देते हैं चावल जो धो के रखे हैं हमने, अब एक कटोरी पानी हम और डालेंगे, कम से कम आपने डेढ़ गिलास पानी डालना है, एक गिलास तो मैंने पहले ही डाल दिया था, अब आधा गिलास और डालेंगे। फ्रेंड्स आधा गिलास जितना पानी मैंने और ले लिया है इसे डोंगे में, अब गैस कर देते हैं हम तेज। पहले हमने कर दिया था सिम मसाले डालने के लिए ताकि हमारे मसाले जले ना, इसलिए मैंने सिम कर दिया था। और अभी एक उबाला आ जाएगा फिर हम इसको सिम करेंगे, फिर सिम पर बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे हम प्लेटिंग करके, बीच में हम दिखाएंगे एक बारी उबाला आने जब आ जाएगा। फ्रेंड्स उबाला आ चुका है, मैं गैस को कर देती हूँ सिम पे बिल्कुल, और आराम से बनते रहेंगे, और मैं इसको ढक देती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ढक दिया है, थोड़ा सा खुला छोड़ देती हूँ ताकि भाप से पानी बाहर ना आए, थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। फ्रेंड्स मैं चावल देखने आई थी बने हैं कि नहीं, बन चुके हैं चावल तो गैस करते हैं बंद, ये भाप में ही सूख जाएगा पानी। तो बाद में करेंगे प्लेटिंग 5 मिनट बाद। फ्रेंड्स मैंने प्लेटिंग कर दी है, आपको मेरी ये व्रत वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।